कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सी एस ई। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। ये इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की PT365 है। इसमें देखो दिसंबर अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के हैं, लेकिन इसके बाद के लिए भी एक मटेरियल आएगा, वो वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो सीधा काम की बात करते हैं। तो आज इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला टॉपिक होगा समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चलते हैं, देखते हैं कितने टॉपिक डिस्कस कर पाएंगे जल्दी से इस वीडियो में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो समृद्धि और विकास, तो समृद्धि और विकास है क्या? तो एक इसमें से मात्रात्मक और गुणात्मक ऐसे होता है। ठीक है, तो समृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो है गुणात्मक होता है। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि क्यों ये टॉपिक चर्चा में रहे। तो जीडीपी की जो है अभी अप्रैल से जून की अवधि के दौरान जीडीपी में 7-8% की वृद्धि, प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो जीडीपी के बारे में हम बात करते हैं। तो जीडीपी क्या होता है? देखो, सबसे पहले यहाँ समझने की बात है जीडीपी क्या होता है। तो एक देश की जो भौगोलिक सीमा होती है, ठीक है, और वन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, मतलब एक समय अवधि देनी चाहिए। ठीक है, और एक देश की भौगोलिक सीमा होना चाहिए और गुड्स और सर्विस का अंतिम बाजार मूल्य होता है। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं का एक देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। अब आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सोच सकते हैं कि मान लो जैसे कि सपोज दैट विदेशी कोई कंपनी है, जैसे कि ये भारत हो गया और यहाँ पर ये कुछ विदेशी कंपनियाँ लगी हुई हैं और ये इंडिया की कंपनी है, तो ये सब मिलके प्रोडक्शन कर रही होंगी, तो ये सभी जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि ये सब जीडीपी में आपका काउंट होगा। और जो विदेशी कंपनियाँ मान लो यहाँ से सामान लेके वापस चली जाती हैं, वो भी ध्यान रखना है कि वो, तो फिर उसके बाद में एनडीपी आएगा। ठीक है, तो मान लो ये कंपनियाँ यहाँ, हमारी भी तो कंपनियाँ कहीं विदेश में काम कर रही होंगी ना, तो वहाँ से भी यहाँ पैसा आएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, तो वो एनडीपी कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर एक काम करना, आप लोग सभी ये जीडीपी को ना अच्छे से लिख लिख के याद कर लेना। जैसे जीडीपी होगा, उसमें से क्या नाम है, अगर हम विदेशों से प्राप्त कारकाय को हटाएंगे, जैसे विदेशों से प्राप्त कारक हटाएंगे तो क्या एनडीपी प्राप्त होगा, एनडीपी में से हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे, वो सब, ये सब फैक्ट्स होते हैं, ये याद कर लेना, एक फॉर्मूलेज होते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, तो वो उसका टाइम नहीं है, यहाँ पे करेंगे उस चीज़ को बाद में, वो आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, तो दो तरह की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एक होती है चालू कीमतों पर और एक होती है स्थिर कीमतों पर। जैसे कि रियल जीडीपी कौन सी होगी, आप यहाँ समझ सकते हो कि रियल की बात कर रहा है, तो रियल जीडीपी होगी कैसे, स्थिर कीमतों पर। हम समझ सकते हैं यहाँ पर, इसे ध्यान देना, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये रियल जीडीपी होगी कैसी, स्थिर कीमतों पर होती है। नॉमिनल जीडीपी जो होती है चालू कीमतों पर होती है। ठीक है, तो कितने प्रत्येक 3 महीने में, ये जीवीए की गणना के आधार पर इन्हें किया जाता है। अब जीवीए की गणना जो है एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट के नियम बने थे, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के। ठीक है, तो इन अकाउंट, इनके नियमों के तहत ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड को हमने अपनाया, और इसे अपनाया हमने 2015 में। तो ये यहाँ याद रखना, तो जीवीए की जो ये विधि है, इसे हमने आधार वर्ष जो ये था 2011-12 के आधार पर 2015 में अपना लिया। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की गणना चालू कीमतों पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये कुल मिला के यही बात कर रहा है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, सपोज दैट मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 10 रुपये का किसी किसान ने आटा, वो गेहूँ बेचा, गेहूँ को चक्की पीसने वाले ने आटा बेचा, और इसने इस आटे को 12 रुपये का बेच दिया, तो इसने कितना वैल्यू एडिशन किया, प्लस का 2 रुपये। अब इस आटे वाले ने इसे ब्रेड बनाने वाले को बेचा, ब्रेड वाले ने इसका ब्रेड बना के 20 रुपये का मार्केट में ब्रेड बेच दिया, तो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 8 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के इन्होंने कितना वैल्यू एडिशन किया, 2 रुपये और 8 रुपये। तो यहाँ पर जीडीपी कितनी हुई आपकी, ये 20 रुपये आपकी जीडीपी होती है। ठीक है, और पहले क्या है कि इसमें हम अलग अलग विधियों का उपयोग करते थे, तो उससे ना कन्फ्यूजन हो जाता था कि कई बार दोहरी गणना हो जाती थी चीज़ों की, तो जीडीपी ज़्यादा दिखती थी। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आप ये सोच सकते हो कि 2 रुपये इसने, 8 रुपये इसने, और 10 रुपये का प्रोडक्ट ही हो गया, तो टोटल 20 रुपये, या फिर अंतिम मूल्य जो है इस चीज़ को हम जोड़ लेंगे तो ये भी जीडीपी में काउंट हो रहा है। तो आपको ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन की विधि होती है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 के आधार पर 2015 में भारत ने ग्रॉस वैल्यू एडिशन विधि को अपना लिया। ठीक है, और जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी को और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100 भी इस फॉर्मूले को कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ ध्यान देना, इम्पोर्टेड गुड्स, इसमें अब जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर होता है, उसमें नहीं आती हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर ये सिर्फ ध्यान रखना है, इसमें केवल वही वस्तुएं हैं जो जीडीपी में काउंट होती है, जो अपने देश में होती हैं। तो इन दोनों का ये अनुपात को ये दिखाता है, ठीक है। तो यह अनुपात क्या बताता है कि ये उत्पादन के वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के चलते जीडीपी के किस सीमा तक वृद्धि हुई है। देखिए कुल मिला के आप एक चीज़ सोचिए कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्लियर हो जाएगा आज आपका, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वर्ष है 2011-12 और ये वर्ष है 2023-24, ठीक है। अब मान लीजिए सिस्टम मतलब वस्तु ए यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में, 10 क्वांटिटी में बनाई, और ये 5 रुपये की बनाई थी, तो ये हो गई 50 रुपये की, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 10 और कीमत कितनी है, 5 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कितनी हो गई, 10, लेकिन कीमत हो गई इसकी 8 रुपये, तो अब कितनी, 80 रुपये की, ठीक है। ये कैसी कीमत है, हम चालू कीमतों पर देख रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब कि इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर है। तो वही हम सेकंड में जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसी वस्तु को 10 है लेकिन यहाँ पर 5 रुपये कीमत है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल होना क्या चाहिए। ये तो हो गया नॉमिनल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी की हम आधार मूल्य वर्ष पर, आधार वर्ष पर देखें, भाई यहाँ 10 वस्तुएं बन रही थी। अभी देखो इससे क्या कल्याण नहीं हुआ, आर्थिक कल्याण नहीं हुआ, इससे तो सिर्फ महंगाई बढ़ी क्योंकि यहाँ पर कीमत बढ़ रही है। लेकिन कल्याण कैसे होगा, जैसे यहाँ पर 5 रुपये की चीज़ बन रही थी 50, लेकिन यहाँ पर यही क्वांटिटी 20 हो जाती और 5 रुपये कीमत होती तो 100 रुपये, तो ये वृद्धि हुई। भाई हम उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पर, हम ऊपर वाले जो मैंने बताया इसमें, यहाँ पर हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस विधि को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने इजी करके आपको बता दिया था, बाकी आप एक बार देख लेना। तो वही वही कह रहा है, इन दोनों का जो रेट में डिफरेंस है, जैसे अभी मैंने 100 रुपये और 80 रुपये की जो चीज़ बताई, तो इनमें कितना, 20, ठीक है, ये डिफरेंस आया है, ठीक है। तो इसको आप महंगाई को देख सकते हो, और ये जीडीपी किस सीमा तक वृद्धि हुई है वो दिखाएगा आपको, ठीक है। जीडीपी की देखो, इसकी जीडीपी कैलकुलेशन की 3 विधियाँ होती हैं। एक होती है उत्पादन विधि, जिसमें ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन मूल्यवर्धन जोड़ा जाता है। दूसरी होती है इनकम, और दूसरी तीसरी होती है एक्सपेंडिचर। इनकम देखो यार, सीधी सी बात है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमा के ला रहे हो, तो आप खर्च भी तो करोगे ना अपनी इच्छा के हिसाब से। भाई मैंने मान लो 80 रुपये खर्च कर दी, 20 रुपये सेविंग कर ली, अब ये खर्चे जो आपने किए होंगे, ये भी तो कहीं किसी कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खरीदे होंगे, किए होंगे ना। मान ले सपोज दैट आपने एक एसी खरीदा 80 रुपये का, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या एक खिलौना खरीदा 80 रुपये का, तो वो जो खिलौना है तो आपने वो भी तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर व्यय किया। यही तीसरा वो कह रहा है व्यय विधि। अब भाई हम जितना आय कर रहे हैं उसी हिसाब से हम अपनी व्यय करेंगे, तो वो लगभग लगभग सेम सी होती हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो आप देख लेना, ठीक है। और तीसरा हो जाता है कि तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए, डेटा संग्रह प्रसंस्करण ये सब फालतू की चीज़ें आपको जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, लेकिन बाद में जैसे 2015 में CSO जो होता है, ये कार्यालय होता है जो नई श्रृंखला की शुरुआत की है, ठीक है, सिस्टम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। अब विकास जीडीपी को क्यों अच्छा संकेतक नहीं माना जाता है, जैसे मान लो जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी में क्या सभी उत्पादन की बात कर रहे हैं। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज गिर जाता है, रेल की टक्कर हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी तो हम चीज़ों का उत्पादन करेंगे, तो वो भी तो जीडीपी में काउंट होगा। तो ऐसा नहीं है, जबकि हम पुरानी चीज़ों को ठीक करने के लिए बाह्य कारकों को इनमें देखा जाता है, ठीक है। भाई नुकसान हो गया उसको करना, लेकिन हम नुकसान नहीं होता तो हमारी जीडीपी सही रहती, तो इसके लिए अच्छा संकेतक नहीं माना जाता है। दूसरी चीज़ बाह्य कारक होते हैं, एक होता है फ्री राइडर, ठीक है, फ्री राइडर का कॉन्सेप्ट होता है। देखो इस बार ना उसमें क्या नाम है, MPPCS के मेंस में पूछा था, ठीक है, फ्री राइडर का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये इन्वायरमेंट में भी होता है, इकोनॉमी में भी लगा सकते हो आप। जैसे समझ लो फ्री राइडर कौन होता है यार, मतलब कि मान लो कोई चीज़ मैंने बनाई, जैसे मान लो सपोज दैट आपने अपनी कोई एक कमर्शियल व्हीकल ले रखा है अपने काम के लिए, आपका पड़ोसी आया, आपने कहा यार मुझे दे दो फ्री में, ऐसे ही मैं चला जाऊँगा, तेल डलवा के उसमें भी काम कर लाऊंगा, तो वो फ्री राइडर हुआ एक तरह से, मतलब आपकी चीज़ का फ्री में यूज़ कर लिया, वही कह रहे हैं बाह्य कारक होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है जैसे कि शांति, इन्वायरमेंट। अब हम प्रोडक्शन करे जा रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट को नहीं देख रहे हैं। देखो ओवरऑल लास्ट में क्या चाहिए, आर्थिक और सामाजिक कल्याण के अलावा आदमी का जीवन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसीलिए तो हम दौड़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि भाई अब मान लो हम पर्यावरण का क्षरण करते रहेंगे, उसे संरक्षण नहीं देंगे, तो वो सभी भी कारक हमारे लिए दिक्कत करते हैं। लोग जीडीपी को बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं लेकिन एनवायरनमेंट को नहीं ध्यान में दे रहे हैं, वही चीज़ है, ठीक है। यही बात आ गई ट्रेन दुर्घटना वगैरह से, बस इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जीडीपी गणना की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, अलग अलग डेटा इकट्ठा करना होता है, असंगठित क्षेत्र, घर में जो महिलाएँ काम कर रही हैं, रोड पर रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं, इन सब की काउंट नहीं होता, ठीक है। कुल उत्पादक, घरेलू विधियाँ, घरेलू कार्य वगैरह होते हैं, ठीक है।
वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जैसे ये। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, अभी तक तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक रोंटरी सर्वे हुआ था 19वीं सदी के अंत में, तो वहाँ पर इन्होंने इसे निकालने की कोशिश की थी। तो वर्ल्ड बैंक में ने कहा है कि देखो उनका है जो SDG गोल्स भी हैं, तो उसमें भी कहा कि गरीबी खत्म करनी है, गरीबी को समाप्त करना है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड लेवल पे कौन निकालता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो UNDP और OPHI दोनों मिक्स करके 2010 से लगातार ये आंकड़े निकाल रहे हैं। तो इन आंकड़ों को तीन आधार पर निकाला जाता है, तो स्वास्थ्य का 1/3 वेटेज है, और शिक्षा का भी 1/3, और जन जीवन दर आदमी कितना जिएगा उसके भी 1/3 इसमें वेटेज दिया गया। ठीक है, तो भारत में क्या करता है, अब भारत की बात करते हैं हम। भारत में क्या है कि नीति आयोग जो है वो निकालते हैं, यहाँ आप नीति आयोग की संरचना जरूर देख लेना। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी आकलन करने के लिए राष्ट्रीय नेशनल MPI का उपयोग किया जाता है। अब ये क्यों है, तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में HCR में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखो इस बार गरीबी बहुत ज़्यादा कम ही है, लगभग पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए, लास्ट 5 साल में लगभग 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो बहुत बड़ा डेटा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो गरीबी की गहनता में कमी आ रही है, जिससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गहनता मतलब कि अभाव कितना है लोगों के बीच में। ठीक है, और गरीबी के सकल अनुपात में भी गिरावट का स्तर है, 2005 और 16 में, 5 और 6 से 15-16 की तुलना में 15-16 और 2019 के बीच अधिक तीव्र रही है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के सारी बातें कह रही हैं कि भाई सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है। अब यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ कम हुई है उसका क्रम हो सकता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, अब हम जो है 12 बहुआयामी संकेतकों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि कौन से 12 बहुआयामी संकेतक को हम महत्वपूर्ण दशा में रखते हैं, जैसे कि अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास संबंधी संकेतकों में है। यानी कि अभाव सबसे ज़्यादा अभाव किस चीज़ में है, तो खाना पकाने के ईंधन और जो आवास है उसमें है। ठीक है, तो अभाव का सबसे कम स्तर कितना है, जैसे कि बाल एवं किशोर मृत्यु दर और बिजली और बैंक खाते के संकेतकों में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संभावना व्यक्त की गई है, यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि भारत सतत विकास लक्ष्य SDG 1.2 को 2030 से काफ़ी पहले हासिल कर सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, क्या भारत SDG के गरीबी समाप्त, SDG के गोल संख्या 1 को 2030 तक समाप्त कर लेगा, तो सकता है भाई, उम्मीद है, कर नहीं लेगा, अभी उम्मीद पे चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो अभी SDG 1.2 क्या कह रहा है कि 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक कम करने का उल्लेख है। अब देखो जैसे ये कम से कम कितना, आधा की बात कर रहा है, आधे तक उल्लेख करना है। ठीक है, अब वो पूछ सकता है कि SDG 1.2 में गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का जिक्र है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को नहीं, जबकि कम से कम आधे तक तो खत्म करना है भाई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब भारत में कौन सी विधि, देखो ये एलकरे फोस्टर विधि का यूज होता है। इसमें क्या होता है, गरीबी का प्रसार संख्या और गहनता यानी कि तीव्रता कितनी स्पीड है उसकी, दोनों दिखाई जा सकती हैं अफ्रीका फोस्टर विधि में। गरीबी के विभिन्न संकेतकों में एक विधि परिवार उस समय अनुभव की जाने वाली अभावों या ओवरलैपिंग वाले अभावों की संख्या की गणना करती है। विधि गरीबी और खुशहाली को मापने के लिए एक लचीली तकनीक है। देखो अब वो पूछ सकता है ये लचीली है, देखिए वो कह देगा स्टेटमेंट में कि अल्फ्रेड फोस्टर जो विधि है वो कठोर है, ठीक है, जटिल है, वो उस चीज़ से स्टेटमेंट में आपको फंसा सकता है। अब हम बात करते हैं MPI के बारे में, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये कौन निकालता है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय, 2015-16 से जारी हो रहा है। तो पहली बार 2021 में इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी राष्ट्रीय MPI की, तो राष्ट्रीय MPI जो हम कर रहे हैं तो वो कब से, 2021 से जारी कर रहे हैं। ठीक है, और किसके आधार पर आंकड़े लिए जाते हैं, NFHS 4 के आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीक पहल किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सरकार की ग्रीक पहल के तहत नीति आयोग MPI हेतु नोडल एजेंसी है, तो ग्रीक क्या है, तो ग्रीक क्या है, सामाजिक और आर्थिक मापदंडों का भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। ठीक है, ग्रीक पहल कई महत्वपूर्ण, देखो ये सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, तो यहाँ पर भारत में जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी निगरानी करता है, इसके तहत में कौन निकालता है, तो MPI निकालता है, नीति आयोग।
ठीक है, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। और किसके आंकड़े यूज़ करता है, NFHS-4 के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय MPI की गणना हेतु उपयोग की जाने वाली विधि, अब ये विधि के बारे में, दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन और गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। तो दोहरा कट ऑफ काउंटिंग पद्धति का यूज़ इसमें किया जाता है। ठीक है, अब जैसे AF विधि के अनुसार अभाव जो है या वंचन है भारतीय राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ 33 के बराबर है, उससे अधिक है, MPI निर्धन माना जाएगा। कुल मिला के बात कह रहा है कि ये MPI निर्धनता है, जो कट ऑफ है, ये दोहरे कट ऑफ काउंटिंग पद्धति जो है इसमें क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय MPI निर्धनता कट ऑफ 33.33% के बराबर हो या उससे अधिक हो, तब उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो बस इतना डेटा याद रखना। देखिए यार, इकोनॉमिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मोटा मोटा याद रखना है, उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे अब राष्ट्रीय MPI जो भी, नेशनल MPI, इसके कुछ उप सूचकांक होते हैं, जैसे इसमें जैसे हेड काउंट रेशियो यूज़ किया जाता है। अब हेड काउंट रेशियो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, तो हेड काउंट रेशियो कैसे निकाला जाएगा, तो जैसे कि बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या और कुल जनसंख्या, यानी कि भाई कितने लोग बहुआयामी तरीके से निर्धन हैं। ठीक है, तो देखो बहुआयामी की आप शब्द को भी देख सकते हो कि मल्टीपल चीज़ें उनको नहीं मिलती होंगी, इस वजह से वो गरीब हैं। ठीक है, निर्धन व्यक्ति और बटे में कुल जनसंख्या कर देंगे, तो हेड काउंट रेशियो HCR आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये उपसूचकांक एक हो गया। नया दूसरा उपसूचकांक निर्धनता की व्यापकता या तीव्रता या निर्धनता का स्तर क्या है। ठीक है, तो निर्धनता का लेवल जानने के लिए बातें कह रहा है। तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत का अनुपात से लिया जाता है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति निर्धन है उनके द्वारा जो चीज़ें सामना की जा रही है, अभावों का कौन कौन से अभावों के औसत अनुपात से है, तो वो अलग अलग चीज़ों का अभाव महसूस करते होंगे, तो उनका औसत अनुपात निकाला जाता है, निर्धनता की व्यापकता जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सभी निर्धन अभावग्रस्त भारित स्कोर को जोड़ा जाता है या फिर उसे निर्धन लोगों की संख्या से विभाजित किया जाता है। ये आप पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही पता होना चाहिए। हेड काउंट रेशियो में और निर्धनता की व्यापकता तीव्रता का गुना करके MPI का मान निकाला जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि MPI का मान कैसे निकाला जाएगा, तो हेड काउंट रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर निर्धनता की तीव्रता से। ठीक है, तब निकलेगा MPI का मान। ठीक है, तो यह अब MPI का मान क्या दिखाएगा, यह दिखाएगा कि निर्धनता के दायरे में शामिल लोगों और उनके अभाव वंचन के दोनों स्तरों को दर्शाता है। यार ये आप देख लेना, क्योंकि MPI का मान में क्या कह रहा है, कुल मिला के जो यहाँ पर ये इस हेड काउंट रेशियो और निर्धनता की व्यापकता की बात कर रहा है, तो इनका मान निकाल दिया जाता है, इनको गुणा कर देंगे तो MPI का मान आ जाएगा, तो इन दोनों में जो अभाव का ग्रस्त लेवल है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो MPI में कितने संकेतक यूज होते हैं, टोटल 12 यूज होते हैं, और वैश्विक मॉडल के 10 मूल, तो विश्व लेवल पर जो MPI निकाला जाता है उसमें 10 संकेतक होते हैं, लेकिन हमने अपने इंडिया वाले में दो और जो ऐड कर दिए, हमने +2 किए हैं, ये ध्यान रखना। तो +2 में कौन कौन से, एक तो माता का स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य की बात कर रहा है, दूसरा हमने बैंक खाते जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसे धीरे से मैं आपको बढ़ाता हूँ, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसके पास PD365 ना पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा मोटा मोटा जिक्र मैं कर दूंगा, आशा करता हूँ आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, अब वही तीन आयाम की बात कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने, नेशनल लेवल पे 12 हैं और इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 10 संकेतक यूज़ होते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, तीन चीज़ें हो गई। देखिए हमने ये ऐड किया मातृत्व स्वास्थ्य, तो इसका वेटेज कितना है, 1/12। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस थोड़ा सा स्कूली शिक्षा के वर्ष ये देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट हमने बैंक खाता जोड़ा, तो बैंक खाते का 1/21 है वेटेज। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी, और दूसरी बात, ये नोट में लिखा है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को MPI के संकेतक के रूप में शामिल नहीं किया जाता, ध्यान रखना। वो अगर स्टेटमेंट दे कि MPI के संकेतक में किस किस को शामिल किया जाता है, तो वो कह देगा कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, तो ये तीनों चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता है। तो व्यक्तिगत आय, अव्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा, ठीक है, इन तीन चीज़ों को नहीं किया जाता है। एक बार और फिर से देख लो कि क्या क्या ऐड किया जाता है, बैंक खाते, परिसंपत्ति, आवास, विद्युत, पेयजल, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल और स्टूडेंट अटेंडेंस, स्कूली शिक्षा के वर्ष, मातृत्व स्वास्थ्य, बाल एवं किशोर मृत्यु दर,
और पोषण, ठीक है, ये चीज़ें याद करना, ये फिर अगेन आपको लर्न, आपको याद भी हो जाएगा यार मैं थोड़ा सा बोलता रहूँगा ना। तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और जीवन प्रत्याशा को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान दे लेना, ठीक है। और भारत टोटल दुनिया में कितने 25 देश हैं जिनमें गरीबी कम हुई है, तो भारत उनमें शामिल होता है, ये बात कर रहा है। तो SDG 1 कहता है गरीबी खत्म करनी है, वही बात है, ठीक है। और MPI 2023 के बारे में, अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी 2023 की रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, ठीक है। तो UNDP जो है, ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल OPHI की बात कर रहा है, द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतकों को सुधार के आधार पर अभावों को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो ये कह सकता है कि दुनिया के सभी देशों की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पर 110 देशों में 10 संकेतकों के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। कितने? दुनिया के सभी लगभग 196 प्लस देशों में नहीं, ये सिर्फ 110 देशों पर काम करता है, ठीक है। अब इनमें कितनी 6.6 आबादी रहती है, 1.1 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी निर्धन रेखा की श्रेणी में शामिल हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं, ध्यान ऐसे फैक्ट है, ठीक है। अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। देखिए यार, DBT क्या है, देखिए आप कोई राशन लेने जाते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये की हर किस्त दी जाती है, तो क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इससे क्या होता है कि पहले देखो, अब गाँव में पेंशनें बांटी जाती थी या फिर ऐसे भुगतान किए जाते थे या कोई मुआवजा दिया जाता था, तो पहले मान लो सरकार ने यहाँ से एक रुपया चलाया और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे ग्रामीण मुआवजा मिलना है, तो यहाँ पर पटवारी बैठा है, अब वो पटवारी के पास जाना होगा, अब यहाँ पर किसान गया इस पटवारी के पास कि भाई मेरी फसल ख़राब हो गई, मुझे मुआवजा चाहिए, तो वो इसको 50 तो कानून बताएगा, फर्द लेके आओ, ये करो वो करो, उनको निकालने के चार्ज वसूल करेगा, ठीक है। जिसकी कीमत सरकारी कीमत 10 से 15 रुपये, 20 से 25 रुपये, मान लीजिए आपको फ़र्द निकलवानी, तो उसकी भी सरकारी रसीद देगा पटवारी, ये ध्यान रखना। कोई भी लोग जाते हैं तो यहाँ पटवारी से 20-30 रुपये की फ़र्द के ये इनसे 200-300 चार्ज कर लेता है, फिर उसके बाद इनसे नाम का चेक ढूंढेगा, इन्हें घुमाएगा फिराएगा और फिर इनसे कहेगा लो भाई तुम्हारा चेक आ गया, 10 हज़ार रुपये का मुआवजा आया है, भाई कम से कम 1,000 रुपये तो दे दो, तो ये रिश्वत भी ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था, और कई बार क्या हो जाता था कि यहाँ ये किसान है ही नहीं, इसकी मृत्यु हो गई है, और वो किसी और के नाम पर दिखा कर ये सारी चीज़ें जारी करके खुद चेक बना लेते थे। तो ऐसे करके ये करप्शन होता था बहुत बड़ा, और इसको सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। और अब ये जो मिशन था, ये प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किया, क्रिएट किया था, और पहले ये क्या है, व्यय विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ये वित्त मंत्रालय में, ठीक है, 2013 से 15 में, लेकिन 2015 से अब ये किस में, कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर कर दिया। तो पहले किसके, व्यय विभाग के। अब वो स्टेटमेंट में आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है, तो आप समझ लोगे भाई ये व्यय तो करते ही हैं, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, नहीं, अभी ध्यान रखना है कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आती है 2015 से, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ा सा हम रैंकिंग देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा रैंकिंग जैसे हरियाणा ने सबसे अच्छा स्कोर कर रखा है, 88.8%। UP ने भी बेस्ट किया है, और फिर त्रिपुरा, गुजरात, उत्तराखंड, असम और वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इन सब ने अच्छा स्कोर किया है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए ये बात कर रहा है कि 2000 DBT के तहत में 2014 से लेकर 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। तो वही मैं आपको जो करप्शन समझाया था अभी, वही करप्शन का दौर इन्होंने इसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। दूसरा, आप किसानों को फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, सभी को फ़ायदा हो रहा है यार, कोई भी हो जिसको सरकार से ये सब्सिडी टाइप का पैसा मिलता है, ठीक है, उनके बैंक खाते में भेज दिया है, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब जैसे नगद अंतरण कैसे, उदाहरण के लिए जैसे पहल स्कीम है, मनरेगा है, NSAP है, ठीक है, इन काइंड ट्रांसफ़र वस्तुओं के रूप में अंतरण किया जाता है, ठीक है। जैसे कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS चलता है, गाँव में जो राशन बंटता है वो आप देख लेना, ठीक है, तो उसके लिए भी DBT दिया जाता है सीधा। अन्य अंतरण होते हैं जैसे NHM के तहत आशा वर्कर को दे दिया, ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वर्कर को, इनको कुल मिला के जितने भी लोग सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, अगर कहीं पर उन्हें सब्सिडी टाइप या कोई पैसा सरकार देना चाहती है तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दिया जाएगा, जिससे कि करप्शन का लेवल कम होता है, टाइम पर पैसा उन्हें पहुँचता है, तो इस तरह से भी, और दूसरी बात, समय पर पैसा पहुँचेगा तो लोग खुश होंगे और अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसकी क्वेश्चन में पूछने के लिए ये बात कर सकता है कि
ये वही बात कह रहा है कि पारदर्शिता लाता है, हेर फेर की गुंजाइश को समाप्त करता है, वही सब फालतू की बातें कर रहा है। 2013 में इसे 43 जिलों में पायलट परियोजना के तहत पर चलाया गया था। ये ध्यान रखना कि सिर्फ इसे शुरुआत ये नहीं है, पूरे देश में एक साथ कर दिया था, ठीक है। तो 2013 में इसे 43 जिलों में शुरू हुआ था, और आ गई मोदी सरकार, मोदी सरकार ने कर दिया भाई ये 2014 में पूरे देश में लागू, ठीक है। बाकी बात करते हैं नोडल एजेंसी के बारे में। मंत्रिमंडलीय सचिवालय के सचिव जो है, समन्वय और लोक शिकायत के अधीन कार्य रखा गया है इसे, ठीक है। और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है लोगों को धन का भुगतान, तो PFMS, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत में लोगों को भुगतान किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड को प्राथमिकता दी जाती है। वो पूछ ले आधार कार्ड अनिवार्य, तो आधार कार्ड अनिवार्य रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और बस प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। और जनधन खाते खोले गए, इसीलिए जनधन खाते खोले गए इतने बड़े लेवल पे कि सभी को DBT ट्रांसफ़र किया जा सके इजीली, ठीक है। तो DBT खाते पर देखो, एक होती है ओवरड्राफ्ट सुविधा दे दी जाती है, और शून्य आधारित होता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा याद रखना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि जैसे कुछ आप बैंक से इंश्योरेंस टाइप वगैरह कुछ करवाए हुए हो, या कोई FD वगैरह करी हो, उसी के बेस पर बैंक क्या करता है, आपको कुछ पैसा उधार दे देता है, लाइक क्रेडिट कार्ड टाइप, आप वो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा डिटेल जानना है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में, तो आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है, जैसे DBT को सक्षम बनाने वाले घटक कौन से, देखो जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, ठीक है, जैम त्रयी के तहत हिसाब की समस्या समाप्त की है, ये सब मेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। DBT पोर्टल बना दिया है उन्होंने, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, समय पर उनके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके। भुगतान पेमेंट बैंक इसमें काम कर रही हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर पैसा पहुँचाया जा रहा है। मोबाइल मनी का प्रयोग किया जा रहा है, कैशलेस व्यापक इको सिस्टम विकसित करना है, तो यही सब है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो सबसे ज़्यादा अच्छा है, देखो ये आपके मेंस में भी सिलेबस है और प्रीलिम्स में तो आ गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने बेनिफिट होता है, तो इसमें क्या होता है कि यार कुछ महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं, अधिकांश इसमें महिलाएं होती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने एक फैक्ट्री टाइप कुछ बनाया, सरकार इनको समय समय पर कुछ ब्याज पर सब्सिडी दे के लोन वगैरह उपलब्ध कराती है, और ये कुछ बनाने लगती हैं। लाइक जैसे मान लो इन्होंने कोई अचार बनाया, तो सरकार जो समय समय पर कल्चरल वैल्यूज़ वाले जो मेले लगाती है, तो उसमें अचार बेचने के लिए आएंगे, वहाँ पर इनको बिजनेस मिलेगा, सरकार और हेल्प करेगी, सब्सिडी देगी, ब्याज लोन वगैरह वो सब देगी। इन जो वर्कर हैं उनको अलग अलग पे पैसा दिया जाएगा, ठीक है, लोन वगैरह दिया जाएगा, तो सब ज़रूरतें पूरी की जाती है। तो ये क्या है, माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं, ठीक है, एक तरह से अगर आप इसे सोच सकते हो तो। जैसे गांधी ने कहा था, सॉरी गांधी जी ने कहा था कि घर घर में उद्योग होना चाहिए, ग्रामीण उद्योग, ग्राम आधारित उद्योग होने चाहिए, तो उसी हिसाब से एक तरह से ये एक उसी दिशा में पहल मानी जा सकती है। तो अभी सरकार ने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इन्होंने कहा है कि भाई हम 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे और उन्हें लखपति बनाएंगे। तो लखपति दीदी के अंदर ड्रोन, आपने देखा होगा आजकल रील्स वायरल हो रही है, ड्रोन चलाने वाली दीदी, तो ड्रोन दीदी, अचार दीदी, दादी, बहुत दुनिया भर की स्कीम से चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो ये कहाँ से दिया, ये बांग्लादेश के एक मोहम्मद यूनिस थे, उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है, वहाँ की समस्या को देखते हुए। फिर उसके बाद इलाभट ने एक सेवा नाम शुरू किया, केरल में कुटुंबश्री के नाम से चलता है, ये नाम आपको आगे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे यही चीज़ है, तो इसे कौन, लखपति दीदी जो योजना है, इसे पोर्टल पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल शुरू की गई है, और इनको कम से कम 1 लाख रुपए महीने में कमाने के लिए, 1 लाख रुपए कमाना है प्रतिवर्ष, सॉरी महीना नहीं, प्रतिवर्ष, 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने के लिए करना है। तो इसमें जैसे कि ये प्लम्बिंग, LED बनाना, ड्रोन संचालन, उनकी मरम्मत, कौशल प्रशिक्षण, ऐसे यानी कि आपको क्या कौशल प्रशिक्षण किया प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, तो उस आधार पर आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, तो देखो मैंने कहा ना गाँव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है, जो आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनी होती है, यह स्वैच्छिक होती है, और 12 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में हैं, ठीक है, और जिनमें 88% में सभी महिलाएं। देखिए महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितनी अच्छी स्कीम है, घर बैठे रहो, अच्छे अच्छे से वहीं काम करो और बिजनेस चलाओ अपना, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे केरल में कुटुंबश्री, बिहार में जीविका नाम है, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास मंडल, लद्दाख में लूम्स शामिल है। सामूहिक जिम्मेदारी होती है, समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। अब जैसे मान लो सब ABCD 4 लोग हैं,
और उन्होंने क्या नाम है डी ने लोन ले लिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ये चारों लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे ही का रहेगा, सभी का ये रहेगा, तो समूह की जिम्मेदारी होती है। और ये औपचारिक नहीं, अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है, ध्यान रखना, वो स्टेटमेंट में कह देंगे औपचारिक है, तो औपचारिक नहीं होती, अनौपचारिक होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं महत्व, इसका इंपोर्टेंस क्या क्या, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, वित्तीय समावेश होता है, लगभग 10 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए, महिला सशक्तिकरण होता है, क्षमता निर्माण की जाती है, गरीबी खत्म होती है, उन्मूलन होता है, आय और बचत में क्रम से 19% और 28% की वृद्धि हुई है, उनकी इनकम भी 19% बढ़ी है और 28% बचत भी बढ़ी है, ठीक है। अनौपचारिक ऋण क्षेत्र के हिस्सेदारी लगभग 20% की गिरावट आई है इसमें, ठीक है। और दूसरा मालेगांव की समिति है, सेल्फ हेल्प ग्रुप JLG की सिफारिशें की गई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, कोई फालतू क्या है। दूसरा हम आते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने की कौन कौन सी पहलें सरकार ने की हैं, तो इन पहलों के बारे में थोड़ा सा आप अलग से पढ़ लेना, हो सकता है पूछ ले। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है 2011 से, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है या विशेषताएं क्या है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ना, उन्हें लगातार बढ़ावा देना, सहायता प्रदान करना। 2015 में इसका नाम बदलकर DNRLM कर दिया गया था। तो नेक्स्ट स्कीम आती है स्वीप स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, 2016 से कार्यरत है और ये उपयोजना है एक, ठीक है, DNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसी के तहत में ये क्या है उप योजना दी गई है, ठीक है। तो ये गैर कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए, ये कह रहा है जहाँ पर कृषि नहीं है, गैर कृषि क्षेत्रों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद ध्यान रखने का है, वहाँ पर SHGs को स्थापित करना है। तीसरा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये भी DNRLM के तहत उपयोजना है, 2011 से चल रही है, महिला किसान सशक्तिकरण। देखिए अब कृषि में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने की ये बात करता होगा, ठीक है, बस इसमें आप याद रख लें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY, ये भी 2014 से चल रही है, ये भी इसी के तहत उपयोजना है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें एज याद रखना, 15 से 35 वर्ष की आयु के सबसे गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करना है। तो इसमें सबसे सभी, अब वो पूछा सभी गरीब कौशल युवाओं को, नहीं, सबसे गरीब कौशल युवाओं को 15 से 35 उम्र के, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने, ये ऐसे पॉइंट्स वो पूछता है, ठीक है। और तीसरा होगा वुमेनिया पहल हो गई, तो इसमें क्या है कि 2019 से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JAM की शुरुआत की गई है, वुमेनिया पहल, तो थोड़ा सा याद करने का तरीका होगा, थोड़ा सा लेटेस्ट सा नाम लग रहा है वुमेनिया, तो 2019 से है, JAM पोर्टल है, इस पर अनौपचारिक क्षेत्र के महिला उद्यमी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। तो अनौपचारिक क्षेत्र जो है उसकी और महिलाओं की भूमिका को इस पर बढ़ाना है, ठीक है। तीसरा लास्ट है महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो ये कौन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत पहल है 2023 में, अब इनमें 15,000 चयनित सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिया जाएगा और ये कृषि कार्य के लिए करेंगे। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी अगर हमें एग्रीकल्चर में बढ़ानी है तो उसके लिए भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता ले रहे हैं, और इससे क्या फार्मर्स की इनकम डबल होगी, डबल करने में लाभ मिलेगा, और क्या है कि पानी का उपयोग, सिंचाई में भारत दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई में पानी का उपयोग करता है, तो सिंचाई में पानी का कम उपयोग किया जाएगा, ठीक है, इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज परियोजना, क्या इसी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है। तो देखिए किसके मंत्रालय के अंतर्गत होता है, वही है ग्रामीण, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। प्रोग्राम 2023 वित्त वर्ष 13-14 में नवंबर 2023 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 7.68 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण दिया जा चुका है, तो ठीक है, बैंक ऋण मैंने बताया था, ये सब लेते हैं। अब बैंक लिंकेज परियोजना का क्या है, अब सबसे बड़ी बात ये कि इसे कब शुरू किया, बैंक लिंकेज परियोजना 1992 में नाबार्ड ने स्थापित की थी, तो आप नाबार्ड यहाँ पर देख लेना, शायद 1982 में ये बना था, तो नाबार्ड की भूमिका देख लेना, नाबार्ड क्या क्या काम करता है, कौन से रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है, क्षेत्रीय बैंकों को ये देखता है, ये सब इनके कार्रवाई करता है, तो नाबार्ड के बारे में आप यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म वित्त का मॉडल है एक, इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं कि रियायती ब्याज दर पर ऋण देने और बचत खाते खोलने हेतु अधिकृत किया गया है, यानी कि देखो इन सब का ना एक खाता खोला जाएगा जिस पर कि एक देखो रियायती दर पर ब्याज, मान लीजिए आपको 10% पर मिलता है तो इन्हें 7% पर लोन मिल जाएगा, बस इतना काम है।
ठीक है। तो इसके घटक क्या है कि जैसे इसके सदस्यों को प्रशिक्षित करना, ये काम भी करता है बैंक लिंकेज में। सिर्फ ये इतना ही नहीं कर रहा है कि भाई लोन सस्ता दे रहा है आपको, नहीं, ये इतना कर रहा है कि जो सदस्य होंगे उनको प्रशिक्षित करना है, बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के साथ समन्वय बैठाना है, ग्रामीण बैंक शाखाओं में बैंक शाखियों को प्रशिक्षण और पदस्थापन करना है। देखिए ग्रामीण बैंक, अब ये नाबार्ड करता है ग्रामीण बैंकों की देख रेख, तो ये पढ़ना जरूरी है। इसलिए ग्रामीण बैंक शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र CBRM, कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट मैकेनिज्म आरंभ करना है। तो यानी कि कम्युनिटी बेस्ड रिपेमेंट सिस्टम क्या होगा, यानी कि पूरा समुदाय वापस करेगा पैसा, ये चीज़ देखने के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रेडिट लिंकेज यानी बैंकों से ऋण मिलना, तो ये इसके घटक हैं कि बैंकों से ऋण मिलेगा, CBRM बनाया जाएगा, उनको प्रशिक्षण पदस्थापन किया जाएगा, ठीक है, बैंक के मैनेजरों के साथ में उन्हें समन्वय बैठाया जाएगा, ठीक है। अब इसको 3 चरणों में लागू किया गया था। तो देखो अब ये जब मैं यहाँ पहले आपको बताऊँ कि नाबार्ड ने 1992 में से शुरुआत की थी, तो पहला चरण था 1990 से 2005 तक था, तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। और इसमें कहा कि भाई ऋण दे दो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से, नाबार्ड ने कहा। चरण दो आया तो उसमें 2006 से 2012 में कुछ पॉलिसीज़ में चेंज किया गया, तो व्यक्तियों को लक्षित करने के बजाय समूह को ऋण देने पर बात कही। तो अब इससे पहले में चल रहा होगा कि भाई व्यक्तियों को, एक एक पर्सनल व्यक्तियों को अलग अलग से लोन दिया जा रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट में आ गया कि ये समूह को लोन दे। तो 2006 से लेकर 2012 तक ये ना क्या समूह पर, भाई समूह को लोन दो, क्योंकि समूह में एक एकता होगी, यूनिटी होगी, और वो साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। तो नेक्स्ट आ जाएगा चरण तीन, 2012 से अब तक DNRLM का शुभारंभ ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर संबल हेतु समर्पित व्यवस्था स्थापित की जा रही है। तो ये क्या है कि मतलब एक ब्लॉक लेवल जो होता है, ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पेशेवर संबल के हेतु समर्पित व्यवस्था को स्थापित करने की बात कर रहा है। इसमें क्या है, देखिए पूंजी का सब्सिडी को, इसमें क्या है, पूंजी की जो सब्सिडी दी जाती थी, जैसे कि भाई मान लो 1 लाख रुपए आपको देने हैं, तो उन्होंने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि आप 70,000 रिटर्न कर देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितने, 30,000 रुपये की आपकी सब्सिडी हो गई। कैसी सब्सिडी हो गई, ये पूंजी का सब्सिडी हो गई। लेकिन सरकार ने क्या कहा, मैंने अभी आपको बताया, तो ब्याज पर, अब सरकार अधिकतर क्या कर रही है, ब्याज पर सब्सिडी देती है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें भी ब्याज पर, वैसे उसका ब्याज 7% होता है, अगर आप समय पर रीपेमेंट करोगे तो इसका ब्याज 4% आपको लगेगा, ठीक है। तो अब ये यही बात कह रहा है, जैसे भी जो 1 लाख में इन्होंने, सरकार ने कहा कि हम इसको तो खत्म कर रहे हैं भाई, हम 30,000 20,000 कुछ कम नहीं करने वाले, हम सीधा आपको 1 लाख रुपये देंगे और हम आपसे 1 लाख वसूलेंगे बाद में, लेकिन हम आपको इस पर ब्याज पर सब्सिडी दे देते हैं कितनी, 4% की। यानी कि मान लेते हैं कि इस पर ब्याज 7% था, माइनस करेंगे 4% तो बराबर लगेगा 3% आपका ब्याज इस पर टोटल लगेगा। तो हमने कितनी सब्सिडी दे दी, ब्याज पर सब्सिडी दे दी, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस चरण तीन में किया गया है। अब हम माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने, MFIN ने माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है। MFIN गैर बैंकिंग वित्तीय सूक्ष्म कंपनी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों, NBFC, देखो NBFC देख लेना, इम्पोर्टेंट है, आता है भाई पेपर में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होता है, ठीक है। तो MFI का एक संघ है और इसे 2009 में स्थापित किया गया था। यह देश के MFI का शीर्ष निकाय है, कौन सा, माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया जो है उनका शीर्ष निकाय है। सूक्ष्म वित्त में मतलब निम्न आय व्यक्ति समूह, मतलब बहुत छोटे लेवल पे पैसे का कार्रवाई करते होंगे, लेन देन चलता होगा वो होगा, पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से लाभान्वित नहीं हुए हैं, ऐसे लोग आते होंगे, ठीक है। अब NBFC MFIs ने क्या, सब सर्वाधिक मात्रा में सूक्ष्म वित्त प्रदान करते हैं, सबसे ज़्यादा लोन कौन देते हैं भाई, यही वित्त प्रदान करते हैं। और इनकी जो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होता है, ठीक है, लगभग 3 माह के बाद में NPA में परिवर्तित हो जाती है कोई अमाउंट, ठीक है, अगर वो रिपेमेंट नहीं करते हैं तो। और ये वित्त वर्ष 2022 में 5.6% से घटकर 2023 में 2.7%। अब इस, आप इस चीज़ से क्या लगा रहे हो, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो लोन ले रहे थे वो मजबूत हो रहे हैं, उनको बल मिल रहा है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो अपना जो पेमेंट रीपेमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये ऊपर भी यही बात, इसमें जो अभी CRBM मैकेनिज्म आ रहा था, CBRM मैकेनिज्म आ रहा था, तो वो भी इसीलिए किया गया कि भाई शाखाओं में समुदाय आधारित पुनर्भुगतान तंत्र आरंभ करना है, ठीक है। तो बैंक भी उसमें हेल्प वेल्प करती होगी उनकी, भाई हमारा पेमेंट कैसे कैसे आप वापस दोगे, वो सब चीज़ों में, ठीक है। अब हम यहाँ सूक्ष्म वित्त प्रदायगी की बात करते हैं, तो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जियोग्राफिकल कंडीशंस भी आती हैं। हाँ, उनकी हिस्सेदारी पिछले साल 37.7% थी, जो इस साल घटकर 34.9% रह गई है। यानी कि पूर्वोत्तर के जो लोग हैं वो ज़्यादा सहभागी नहीं बन रहे हैं इसमें,
ठीक है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। ऐसा करते हैं छोड़ो, कि अब ये वाला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो आज की एक बारी टॉपिक्स दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पर हम GDP कर लिए हैं। GDP में हम रियल GDP, नॉमिनल GDP, GDP डिफ्लेटर ये कर लिए हैं। यहाँ पर आपको काम करना है NDP, NNP और नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ही होते हैं, सेम वो चीज़ देखना है। और इनकम मेथड्स देखने हैं, आय विधि, व्यय विधि और GVA विधि, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि MPI जो है UNDP और OPHI निकालता है, हमारे नेशनल लेवल पे जो है MPI निकाला जाता है, उसे नीति आयोग निकालता है। इसमें 12 संकेतक हैं, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर 10 संकेतकों का यूज़ किया जाता है। तो हमने मातृ स्वास्थ्य और दूसरा क्या है कि एक बैंकिंग प्रणाली, मात्र का 1/12 और बैंकिंग प्रणाली का 1/21 वेटेज है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ा है। DBT है, DBT में हमने भ्रष्टाचार कम किया है, तो प्रत्यक्ष लाभ देते हैं, ठीक है। तो DBT कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है, पहले विभाग के अंतर्गत आता था 2015 से कैबिनेट सेक्रेटरी का। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनमें लगातार इनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, DNRLM वगैरह जो योजना है वो आप पढ़ लेना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। बैंक लिंकेज कार्यक्रम, इनको लोन की सुविधा उपलब्ध कराना, वो सब चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राजकोषीय नीति, ठीक है। तो ये वीडियो हम शायद नेक्स्ट कल लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट बॉक्स में अगर किसी को कोई डिस्कस वो कुछ दिक्कतें आती हैं तो वो भी वहाँ पर कमेंट कर सकता है, उसका जवाब मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल @DreamCSE के नाम से है, आप यहाँ पर भी जाकर चैट कर सकते हो और यहाँ भी चैनल ज्वाइन कर लेना, इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी आती रहती हैं, ठीक है। थैंक यू।